गैस पता नहीं ओरियो क्या हो गया, वो बस कैमरे में देखे जा रहे भाई। भाई क्या हो गया ओरी? Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो guys, अभी जस्ट उठाऊ मैं, अभी मुझे जाना है, एक emergency है। दो डॉग्स को कोई जंगल में छोड़ के चला गया और वो इंजर्ड है, मतलब जंगल में छोड़ गया कि ताकि उसको बाघ खा जाए, मतलब पालतू होंगे लेकिन छोड़ के चला गया। देखो ऐसे लोग भी होते हैं यार। तो वो भी वहीं पे थे जंगल में, तो उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे दो डॉग्स मिले हैं, क्योंकि लोग ऐसे ही करते हैं यार, मतलब उनके डॉग वगैरह बीमार हो जाते हैं ना तो जंगल में छोड़ देते हैं। तो वो भैया को मिले हैं, वो भैया का फ़ोन आया कि मैं जंगल में हूँ, वो वॉक करने आते हैं ना जंगल में ऊपर की साइड, तो चलो चलते भी उनका इलाज वगैरह कराएंगे, फिर उनको रेस्क्यू सेंटर में छोड़ाएंगे। गुड मॉर्निंग मम्मी, भैया चाचा जी, अम्मा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे को एमरजेंसी जाना है, वो भैया ने बुलाया, ठीक है। तो गाइस मैं तो फटाक से नहा के रेडी हो गया, देखो चलते हैं सीधा, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो ये पी के जाते हैं, पीयूष और कुणाल लेके हैं स्कूल, थार लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है यार। कुछ लोग ना, कुछ डॉग्स थे, को दो दिन पहले कोई इन्हें जंगल में छोड़ गया, यहाँ पे इन्हें उठा के जंगल के अंदर फेंक दिया कि यहाँ पे लेपर्ड वेपर्ड इन्हें खा जाए। यार लोग बड़ा गलत कर रहे हैं, उसके इतने घाव हुए हैं। कहाँ हैं ये? नीचे बैठे हुए हैं। तो हम इनको लेके आए वहाँ से, लेके आए, इनका थोड़ा खाना ना दिया। अच्छा ये दो हैं, एक तो लेबरा है ना, एक लेबरा है। ओहो घाव हो रखा है इसको। ये लोग सिर्फ ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, खर्चा आएगा, इसलिए छोड़ जाते हैं। लेकिन जिसने भी जो भी छोड़ेगा अच्छी बात नहीं है, सब बहुत गलत हरकत है। एक एंटीबायोटिक है, वो ढूंढ रहा हूँ, ग्रास है। इससे क्या होता है? ये एंटीबायोटिक का काम करेगी। तो बेसिकली ये दवाई है, तो भी दवाई लगाई जा रही है, तो अभी थोड़ी बहुत दवाई लगा, उसको ना एक घाव है, तो अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डर रहे हैं वो, कहाँ लेके जा रहे हैं हमको, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने फेंक दिया था पीछे जंगल में। यार सौरभ मेरे को ना एक आइडिया आ रहा है, एक लैंड पड़ी है जो अपनी ना, मैं सोच रहा हूँ कि यार खाली पड़ी हुई है, उसको रेस्क्यू सेंटर ना बना दे। हाँ, एक दिन खुद का चलते हैं, और मेरी लैंड जो पहाड़ वाली पड़ी है ना यहाँ पे बुज्जागढ़ वाली, उस लैंड पे एक रेस्क्यू सेंटर बना के जो इनके काम आ जाए। वो भी के पास एक लैंड पड़ी है, तो उसमें हम बना सकते हैं डॉग्स के लिए रेस्क्यू सेंटर, जो भी इस तरह के इंजर्ड डॉग्स वगैरह हैं उनको हम ट्रीटमेंट करा के वहाँ रख सकते हैं। पाल तो लेते हैं, फिर उसके बाद जब कुछ हो जाए तो छोड़ देते हैं। मतलब उन्हें मुझे सिर्फ मुझे देख के ये लग रहा है कि इसके चोट लग गई या घाव हो गया है, सीधा सीधा जंगल में ही छोड़ गए। तो हॉस्पिटल तो पहुंच गए, ये तो ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये डरा हुआ है लेकिन बस इसका ट्रीटमेंट कराना है बस। तभी चल रहा है ट्रीटमेंट, और ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं देखो। तो मैंने यहाँ से ओरियो के लिए बिस्किट भी ले लिए, ट्रीटमेंट तो करा दिया, अब चलते हैं रेस्क्यू सेंटर। दोनों डॉग्स को लेकर रेस्क्यू सेंटर चलते हैं। आप 8 किलोमीटर है यहाँ से रेस्क्यू सेंटर। फाइनली मिल गया हमको रेस्क्यू सेंटर। तो यहाँ पे हैं बहुत सारे डॉग्स, कोई जंगल में फेंक के चला गया था ना। मिलके बहुत अच्छा लगा, पहली बार फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ। बाकी जानते हो मुझे? तो हम बोबी की फॉर्च्यूनर में आए थे। चलो बढ़िया, ये मुझे जानते हैं, रेस्क्यू वाले मुझे जानते हैं। ओके बाय बानु, इसका नाम हमने बानु रखा है, अभी नामकरण हुआ इसका। तो चलो सही, अब यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा अच्छे से, और अच्छे से रख लेंगे। चलो फाइनली आज सुबह सुबह एक अच्छा काम कर दिया हमने, जंगल से उठा के ट्रीटमेंट करा के हमने रेस्क्यू सेंटर छोड़ दिया हमने दोनों को। पता नहीं यार कैसे छोड़ देते भाई लोग, मतलब वो पाल, वो मतलब लिटरली बात मान रहे, उसको कह रहे हैं बैठ जा, लेट जा, वो पूरा ट्रेंड हो गया, वो पूरा ट्रेंड। वैसे जिसने भी छोड़ा है चल जाएगा पता, वो वीडियो तो देख ही रहे होंगे। तो ये आपने बहुत गलत किया ऐसे इंजर्ड को जंगल में छोड़ के। तो गाइस बॉय के पास ना एक जमीन पड़ी है पहाड़ पे कहीं पे ऊपर, तो हम सोच रहे हैं वहाँ पे बनाने का डॉग रेस्क्यू सेंटर पूरा, वहाँ डॉक्टर वॉक्टर सब रख देंगे। तो हाँ प्लान कर रहे हैं हम, होपफुली हो जाएगा बहुत जल्दी होगा, लेकिन सबकी हेल्प चाहिए उसमें। हाँ उसमें सबकी, आप लोगों की भी हेल्प। तो अब जा रहे हैं थार लेने के लिए, वहीं पे जंगल में ऊपर वहाँ पे थार है हमारी। तो अभी हम आए कुछ खाने के लिए, अभी को सुबह से कुछ खाया नहीं है भाई, टाइम देखो 1:30 बज गया भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो अब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास छोले और चावल, तो मेरा पराठा और चावल आ गया, तो मैं भी खाता हूँ। तो भाई गाइस खाना पीना हो चुका है मस्त, अब चलते हैं घर। पीयूष और कुणाली भी आ गए स्कूल से, तो चलो। अरे मेन रोड है, मेन रोड है, मेन रोड में पीछे ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है सर भाई, एक फोटो भाई। यहाँ पे भीड़ भीड़ मत लगाओ, ये मेन रोड है, मेन रोड है, आगे चलो आगे। भाई मेन रोड पे इतने सारे बच्चे आगे थे यार, और वहाँ पे मतलब जाम से लग गया था। यही रीजन है थार को बेचने का, बिकॉज ना बच्चे देखते नहीं है भाई कि मेन रोड है, कौन सी गाड़ी आ रही, किसी को लग गई तो सामने चल रही है अपनी थार, देखो मस्त लगती है यार थार, मन नहीं कर रहा इसको बेचने का। ओरियो के बिस्किट उठा देता हूँ, ठीक है ओके प्रणाम, चलो अपनी थार लेके चलते हैं। गाइज ये जो मेरी थार है ना, ये कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं, जहाँ पे खड़ी कर दो थार के आसपास भीड़ लग जाती है, चाहे मैं हूँ चाहे ना हूँ,
अभी जैसे खड़ी थी ना वहाँ पे, तो थार के आसपास इतनी भीड़ लगी पड़ी थी। यार इसको देखिए कितना अच्छा लग रहा है भाई। किसी डॉग का ट्रीटमेंट कराना ना, अब तो पूरा दिन लग जाता है, पूरा का पूरा दिन। तो हाँ, इस काम के लिए बहुत टाइम भी चाहिए, तो हम सोच रहे हैं कि इस तरह से करके, हम भी सोच रहे हैं रेस्क्यू वाला काम करने की। बंदे रखने पड़ेंगे, डॉक्टर रखने पड़ेंगे, और जगह तो हमारे पास सही बोगे वाली। तो हाँ देखते हैं इसको क्या हो गया भाई। यार बताएं लोग कैसे छोड़ के चले जाते हैं अपने डॉग को। भाई मेरे तो इतने इमोशन जुड़े हैं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि इससे अलग हो जाऊँ, फिर इसको कहीं छोड़ दो, है ना। वाली डॉग्स ना इतने इमोशनल होते हैं, कितना इमोशनल है, ये सारी बात मानता है, सारी बात करते हैं, है ना। वाली देखो कितने मस्त होते हैं यार। अब अगर मैं ओरियो कहीं पे छोड़ दूँ तो ये सुनना रह पाएगा हमारे बिना। ये भी तो हमको ढूंढेगा कि कहाँ चले गए सौरदा, कहाँ चले गए कुनाली, पीयूष, मम्मी पापा सब कहाँ चले गए। पता नहीं वो कैसे छोड़ देते भाई उनको। अब डॉग सोचते नहीं कि मैं याद करेगा ये। अम्मा हम दो डॉग्स को रेस्क्यू करके आए हैं, जंगल फेंक दिया था किसी ने। फिर कहाँ रखे हैं? वो रेस्क्यू वाली टीम को दिया है, क्योंकि ना जंगल में कोई भी डॉग नहीं रह सकता, क्योंकि जंगल में बाघ रहते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ जंगली जानवर ही रह सकते हैं, पालतू डॉग नहीं रह सकते। और वो तो बैल लैबरा था भाई, लैबरा जंगल में। चलो फाइनली हमने रेस्क्यू कर दिया, काफी अच्छा लग रहा है। पीयूष स्कूल से आते ही गेम पे लग गया भाई। वीडियो बना रहा हूं। वीडियो? अब वीडियो खराब कर रहा हूं, वरना जाओ वहां पे। कुनाली भी स्कूल से आ चुके हैं। कुनाली क्या कर रहे हो? कुनाली को पढ़ाई करने के लिए न्यू स्लेट मिली है, देखो ये कितनी मस्त है। इसमें हम कुनाली का नाम लिखते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाना है तो एक बटन दबाना, मिट जाएगा ये देखो मिट गया ना, ये मस्त चीज है यार। और देखो जंगल छोड़ा हूं, जंगल छोड़ा हूं तेरे को, है। और जंगल छोड़ा हूं अम्मा, इसको जंगल छोड़ा नहीं तो नहीं छोड़ सकते हैं, लोग भी छोड़ देते हैं अपने आप। लोग वो पापी हैं, हैं? अच्छे नहीं ठहरे ना, वो पापी लोग हैं, पाप करते हैं वो। अच्छा पाप करते हैं, फिर पाप नहीं ठहरा वो, एक एक तरफ से पालते हैं, फिर उनको जंगल में छोड़ मार पीट के जंगल में छोड़ते हैं। मेरे को तो हमारी गाय की याद आती है यार, कितनी अच्छी थी हमारी गाय, कितनी अच्छी थी ना गाय। उस गाय को हम कभी भी नहीं भूल सकते, बिकॉज बचपन से हमने उस गाय का दूध पिया। जब भी हम गाँव जाते ना, हम उस गाय का दूध पीते थे। अब वो नहीं रही, लेकिन बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसने पूरा पूरा बचपन जब भी हम थे उसने दूध पिलाया हमको। तो हम कई मतलब हमारी लाइफ में ना कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम नहीं भूल सकते, उसमें से वो गाय है। गाय तो है यार, और यही मेन रीज़न है अम्मा का वहाँ रहने का, बिकॉज वहाँ गाय थी ना, अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है गाय की, तो इसलिए अम्मा गाँव रहती थी। उस गाय ने हमको बचपन से इतना दूध पिलाया, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते, इसीलिए अम्मा गाँव रहती थी, पता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, पता है। और ये सब चीजें अम्मा सिखाती है हमको। आपने एक बात बोली थी, गाय को छोड़ नहीं सकते ऐसे, उसने हमको दूध पिलाया बचपन से, नहीं तो और लोग तो छोड़ देते। वो दूध नहीं दे रही थी ना, वो नहीं दे रही थी, मतलब जबकि वो दूध भी नहीं दे रही थी, फिर भी अम्मा ने उसको इतने सालों पाला बिना दूध दिए। काफी इंस्पायरिंग होता है और काफी अच्छा लगता है, मतलब जब बड़े से हम चीज सीखते हैं ना, छोटी छोटी चीज होती है, लेकिन ये बहुत जरूरी होती है। तो ये अम्मा से मैंने सीखी और ये मेरे कनेक्ट करके एकदम से, कि अम्मा ने इतनी बात बड़ी बात बोल दी कि हाँ, कि वो गाय का दूध हमने पिया है बचपन से, उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। पीयूष को पता नहीं आजकल क्या ड्राइंग का भूत चढ़ा हुआ है, ये वीडियो देख के ड्राइंग बनाता रहता है, देखो अब मेरी वीडियो देख रहे हैं। और गाइस मैंने नहीं बोला कि मेरी वीडियो देखते हो, खुद ही देख रहे हैं। इसी तरह से और बच्चे भी देखते होंगे भाई। तो ये वीडियो मेरी ही है, मैंने खुद रिकॉर्ड की है, इस पे 8 लाख व्यूज है, 16 मिनट की वीडियो। देखो इसमें कम्प्लीटली सिखा रहा हूँ कि किस तरह से क्या बनाना है। ऐसे ही इस पे देखो अराउंड 700 वीडियोज हैं, 700 वीडियोज डाल रखी है मैंने। किसी पे 2 मिलियन, 4 मिलियन भी है, एक पे 10 मिलियन व्यूज भी है, इस वाली भी 10 मिलियन है। तो जितने भी लोग मुझे देख के ब्लॉग करते हैं उनको एक बात समझाना चाहूंगा, मेरा ऑलरेडी आर्ट चैनल है। ये देखो इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं, ये देखो इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं, और इन सब पे अच्छे खासे व्यूज हैं, इनको देख के लोग सीखते हैं, इसीलिए मेरा ब्लॉग चैनल चला था। सीधा मैंने अपनी सिंपल लाइफ नहीं दिखाई, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ से मेरे को लोगों ने मेरा आर्ट देखा। कोई ये मेरा, ये जो पीछे मेरे आर्ट रोल्स दिख रहे हैं ना, ये टैलेंट देखा मेरा। तो हाँ इस बात को ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि ओनली आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दोगे मुझे देख के सिंपल अपनी लाइफ, मेरी तरफ ब्लॉग दिखाओगे तो हाँ आपका चल जाएगा, ऐसा नहीं होता गाइस। कुछ ना कुछ तो यूनिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो टैलेंट होना चाहिए, तब जाके आपका चैनल चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि नए नए ब्लॉगर्स कर रहे हैं, मुझे देख के सिंपली सिंपल ब्लॉग बना रहे हैं। तो अब क्यों देखेगा भाई, क्यों आपकी लाइफ? मेरे तो चलो आर्ट चैनल था, इसलिए मेरी लाइफ लोगों को देखनी थी। और अभी भी उस चैनल पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं, लोग सीखते हैं, और फिर जाके मेरे ब्लॉग पे कई बार आते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ हम आर्ट देखते हैं, हम ब्लॉग नहीं देखते। गाइस इसी तरह से अगर आपको यूट्यूब पे काम करना है, आपके अंदर जो टैलेंट है, जो आपका पैशन है, वो करना अच्छा लगता है, वो करो। मुझे देख के ओनली कि हाँ ये तो सिंपल वीडियो बना रहे हैं, हम भी ऐसे बनाते हैं, हमारे भी वायरल हो जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होती गाइस। फिर लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरे पास आते हैं वीडियो बनाने के लिए। मैं बोलता हूँ कि भाई कुछ करो, कुछ आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, कि लोग आपको पता होना चाहिए आपकी वीडियो क्यों देखें लोग। मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। तो अभी गाइस ओरियो आ चुका है मेरी गोद में, और आज इसकी बहुत याद आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों याद आ रही है, इसके पास रह के भी इसकी याद आ रही है मुझे। गाइस पता नहीं ओरियो क्या हो गया, वो बस कैमरे में देखे जा रहा है। भाई भाई क्या हो गया? कोई आ गया, कोई आया। ओ भाई भाई कैमरे में सब देख रहे हैं, मम्मी सब देख रहा है। नए जमाने कुत्ता है।
तो अभी हम चारों भाई घर से बाहर आ गए और ये मुझे खींच के ले जा, लिटरली ये देखो मुझे खींच के ले जा रहा है ये। हाँ पीयूषी, गलत काम करने के लिए सबसे आगे, मतलब पूरी रोड पड़ी है यहाँ पे खाली, फिर भी यहाँ पे साइकिल चला रहा है। तो यहाँ पे क्यों चला रहा है भाई? तो गाइस जिसको भी हमसे मिलना है यहाँ आके मत मिलना। हम चलते हैं, गियर बढ़ाओ। भाई इसको बंदर क्या दिख जाए ना, इसको जंगल छोड़ के आओ, जंगल छोड़ के इसको जंगल में, जंगल में शेर मिलेगा ना, शेर हो गए तू। फुल हाथ छोड़ के चलाई, मजा आया। पागल तो नहीं है? उल्टे काम कितने उल्टे काम करा लो इससे, बस फुल मजा आया। फुल बेटे फोन फूट गया ना, बता दूंगा। तो अभी घर पे आ गए और देखो कुनाली को किस तरह से टीवी देख रहा है भाई, टीवी भी गाड़ी में बैठ के देख रहा है। तो फिलहाल पूजा हो चुकी है, जय माता रानी, सबको सुखी रखना। तो भी गाइस मैं एडिट कर रहा था तो मम्मी डिनर ले आई। क्या बनाया आज? तेरी पसंद की बनाई। ओह न्यूट्रेला रोटी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। तो एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाथ मेरे छोटे, मजा फुल आता है लेकिन ऐसे। डोंट ट्राई दिस एट होम, मजाक करोगे कहीं भी ड्राइव करना, इसको बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है।